upset after being allocated a low-key ministry in Maharashtra coalition. Government led by Uddhav Thackeray, a Shiv Sena MLA, Abdul Sattar, has quit from the cabinet and sent his resignation to the party chief. Now, Sena leaders have gone into a huddle to placate the MLA. However, sources now say that he is adamant to quit. Maharashtra MOS Abdul Sattar, who is the lone Muslim face in Shiv Sena, was apparently disgruntled of being allocated a junior ministry in the government. But now we are hearing in, he was sworn in as the MOS, remember. Now we are hearing that he is likely to meet the chief minister tomorrow, and there is some sort of compromise that they have met with. महाराष्ट्र सरकार में मंत्री पदों का जो है बंटवारा अभी तक नहीं हुआ है और उस बीच ही जो है अब नेताओं के नाराजगी की भी खबर आ रही है. हमारे साथ संजय राउत हैं. सर, सबसे पहला सवाल आपसे ये पूछना चाहेंगे कि जिस तरीके से सुबह से खबरें आ रही हैं कि अब्दुल सत्तार नाराज हैं और उन्होंने इस्तीफा देने की बात कही है, क्या उन्हें मनाने की कोशिश जारी है? और वो तो अभी अभी आए थे, उसके बावजूद जब उन्हें मंत्री बनाया गया तब भी सवाल उठ रहे थे और लोग काफ़ी शॉक थे, लेकिन उनकी नाराजगी की वजह क्या अब तक पता चल पाई है? देखिए, नाराजगी तो सभी की होती है, विधायकों की, सबको मंत्री बनने की इच्छा होती है. इच्छा तो ठीक होती है, लेकिन ये जो सरकार है ये शिवसेना की सरकार नहीं है, ये महाराष्ट्र विकास आघाड़ी, तीन बड़ी पार्टी उसमें है. तो सबके कोटे में जो विभाग आए हैं उसमें से सबको एडजस्ट करना है. फिर भी उद्धव ठाकरे जी, मुख्यमंत्री जी ने अब्दुल सत्तार को बाहर से आने के बावजूद भी एडजस्ट किया है. अब उनको राज्य मंत्री बनाया तो मुझे किसी ने बताया कि कैबिनेट नहीं बना, कैबिनेट का उनको दर्जा नहीं दिया मंत्री पद का, इसलिए नाराज है. अब ऐसी नाराजगी तो शुरुआत में होती है, लेकिन सरकार को उनसे कोई धोखा नहीं है, सरकार ठीक तरह से चलेगी. क्या उनसे बातचीत करके उन्हें वापस लाने की कोशिश की जाएगी? क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा बीच में एनसीपी के भी कुछ नेता नाराज थे लेकिन उन्हें मना लिया गया, तो क्या शिवसेना की ओर से उनसे बातचीत करने की कोशिश की? इस प्रकार की शुरुआत में जब सरकार बनती है तो कुछ लोगों की नाराजगी दिखती है, लेकिन जब मुख्यमंत्री उनसे बात करेंगे तो सभी की नाराजगी दूर हो जाएगी. जी, सवाल इसलिए भी उठ रहा है सर क्योंकि अब तक जो है मंत्री पद का ऐलान नहीं किया गया कि इसे क्या दिया जाएगा, देरी वहां पर भी हो रही है, उसके वजह से भी देरी हो रही है. देरी नहीं होनी चाहिए, गंभीरता से लेना चाहिए. लोगों ने हमारे हाथ में जो सरकार बनाने का जो मैंडेट दिया है तो लोग भी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी विभागों का बंटवारा हो और सरकार काम को लगे, लेकिन विस्तार के बावजूद विभागों का बंटवारा नहीं हो पा रहा है, ये सच है. लेकिन उसके लिए शिवसेना या एनसीपी, हम जिम्मेदार नहीं है. अब थोड़ी बहुत कांग्रेस में ज़्यादा चर्चा होती है तो अब एक दो दिन में हो जाएगा.